चलिएगा, हेडिंग डालेंगे। टॉपिक है सेल एंड लीज बैक। ट्रांजैक्शन देखिएगा, सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन बेसिकली क्या होता है। देखो, ये है लेसी और ये है लेसर। ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखिए क्या हुआ कि लेसी को कुछ रिक्वायरमेंट आ गई इमीडिएट फंड की, रिक्वायरमेंट ऑफ इमीडिएट फंड, रिक्वायरमेंट ऑफ इमीडिएट फंड फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पस। ठीक है, अब सुनना क्या ट्रांजैक्शन हुआ। इस वर्किंग कैपिटल फंड को अरेंज करने के लिए लेसी ने अपनी ओनरशिप की एक असेट लीज को बेच दी। सेल ऑफ असेट, ठीक है। अब आपने ये असेट लेसर को बेच दी तो आपकी जो फंड रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो गई। लेकिन अब एक समस्या हो गई कि आपके बिजनेस की एक असेट किसके पास चली गई, लेसर के पास चली गई। तो अब समझना बहुत ध्यान से, अब आपने लेसर से वही असेट दोबारा से लीज पर ले ली। असेट टेकन ऑन लीज। आप देखिएगा बहुत ध्यान से, अंडर दिस ट्रांजेक्शन लेसी की जो फंड रिक्वायरमेंट थी वो भी पूरी हो गई और जो असेट उसे अपने बिजनेस पर्पस के लिए चाहिए थी वो असेट भी उसके पास वापस से आ गई। दिस ट्रांजेक्शन विल बी नोन एज सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन। इन ट्रांजेक्शंस को क्या बोला जाता है, सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन बोला जाता है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन इज टू फुलफिल द इमीडिएट फंड रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब क्या हुआ यहां पर, लेसी ने बेसिकली एक एग्रीमेंट किया है असेट को बेचने का और उसे लीज पर वापस लेने का। ये एग्रीमेंट एक पैकेज के रूप में किया जाता है जिस वजह से असेट का पोजीशन जो नहीं जा रहा है लेकिन असेट की जो ओनरशिप है अब वो लेसर के नाम हो गई। आप समझ रहे हो, ऐसा नहीं है कि वो ले जाकर देगा फिर वो लाएगा। एक एग्रीमेंट कर लेंगे जिस एग्रीमेंट के तहत लेसी उस असेट की ओनरशिप लेसर को ट्रांसफर कर देगा एंड देन पोजीशन अभी भी इसी के पास है और अब ये इस असेट के बदले में लेसर को क्या देता रहेगा, लीज रेंट पे करता रहेगा। तो दिस ट्रांजेक्शन विल बी नोन एज सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन। तो चलिएगा अब हम इन बातों को कुछ लिख लेते हैं। देखिएगा अंडर सेल एंड
लीज बैक ट्रांजेक्शन। ओनर ऑफ असेट यानी लेसी, ट्रांसफर इट्स असेट टू अनदर पर्सन, टू अनदर पर्सन एंड एग्री टू टेक बैक सच असेट ऑन लीज बेसिस। देखिएगा सेल एंड लीज बैक में क्या होता है, जो ओनर ऑफ असेट है यानी ओरिजिनल ओनर जो लेसी था, वो अपनी असेट एक पर्सन को ट्रांसफर करता है जिसको कि हम लेसर बोल रहे हैं, एंड एग्री करता है कि वही असेट वो वापस ले लेगा। क्लियर? ठीक है, उसी असेट को वो लीज बैक लीज बेसिस पर वापस से ले लेगा। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, अंडर सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड बट पोजिशन ऑफ असेट रिमेन्स, पोजिशन ऑफ असेट रिमेन्स विथ लेसी। देखिएगा सेल और लीज बैक ट्रांजेक्शन में पोजीशन तो आप ही के पास है, लेकिन ओनरशिप जो है अब वो लेसर को चली गई है। सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शंस आर कवर्ड, सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शंस आर कवर्ड अंडर अ पैकेज। अंडर पैकेज का मतलब क्या है, देखिएगा आपका ये जो एग्रीमेंट होता है वो बनता ही इस तरह का है कि सेल करने के बाद आप ही को लीज बैक होगा। अगर मान लो आपने कोई असेट बेच दी तो पैसे तो आ गए, और फिर लेसर ने अगर वो असेट किसी और को दे दी तो आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो ये जो सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन है वो एक पर्टिकुलर पैकेज में कवर होता है, जिसमें एग्रीमेंट ही इस तरह का बनता है कि मैं आपको अपनी असेट दूंगा कि ओनरशिप दूंगा, वो असेट मेरे ही पास है और अब मैं आपको उसका यूज करने का रेंट देता चलूंगा।
ऑब्जेक्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन The object of this type of transaction is to working capital requirement immediately. देख लीजिए, ये जो ट्रांजैक्शन मार्केट में होते हैं, ये ट्रांजैक्शन वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को इमीडिएटली पूरा करने के लिए किए जाते हैं। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को इमीडिएटली बेसिस पर पूरा करने के लिए किए जाते हैं। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है आपका सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन का। क्लियर है? बिल्कुल। चलिए, इस टॉपिक पर बेस्ड एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 27 सीए में। क्वेश्चन नंबर 25 फॉर सी। देखो ये क्या बोल रहा है, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से सुनना। एक्स लिमिटेड हैड ओनली वन वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल मशीन इन दिस टाइप ऑफ ब्लॉक ऑफ असेट विथ नो बुक वैल्यू अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एज इट वाज सब्जेक्ट टू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ 100% इन वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ इंस्टॉलेशन। आपके पास एक वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट है जिसकी बुक वैल्यू जीरो है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स लॉ, आप जैसे ही इस असेट को खरीदते हो, आप फर्स्ट ईयर में ही पूरा डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेते हो। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। ड्यू टू फंड क्राइसिस होने की वजह से एक्स लिमिटेड डिसाइडेड टू सेल द मशीन विच कैन बी सोल्ड इन द मार्केट टू एनी वन फॉर ₹5 लाख। लीजिएगा, अब फंड की रिक्वायरमेंट आ गई एक्स को, तो एक्स क्या सोच रहा है, उसने ये डिसाइड किया कि वो इस असेट को किसी को बेच देगा। ठीक है, मार्केट में आसानी से वो किसी को भी 5 लाख में बेची जा सकती है। आओ आगे। अंडरस्टैंडिंग दिस फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स, वाई लिमिटेड केम फॉरवर्ड टू बाय द मशीन फॉर ₹5 लाख एंड लीज इट टू एक्स फॉर अ लीज रेंटल ऑफ 90,000 पर एनम फॉर 5 ईयर्स। लीजिएगा, ये जो है हमारी वो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, इसको फंड क्राइसिस होने की वजह से इसने डिसाइड किया कि वो अपनी असेट को बेचेगी। तो एक रिलायबल सोर्स से उसे पता लगा और वो सोर्स था वाई, उसने कहा कि ये असेट तुम मुझे बेच दो। मुझे सेल कर दो 5 लाख रुपए। ठीक है, और फिर ये असेट तुम मुझसे वापस ले जाना लीज पर। ये असेट
तुम मुझसे वापस ले जाना लीज पर। $90,000 पर एनम के लीज है। ये ऐसा एक एग्रीमेंट हुआ एक्स और वाई के बीच में। बोलिए क्लियर है बिल्कुल यहां तक का पॉइंट? आराम से पढ़ लें फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ो। अब ये क्या बोल रहा है, एक्स लिमिटेड डिसाइडेड टू इन्वेस्ट द नेट सेल प्रोसीड। अब आपके पास पैसे आ गए असेट को बेचने के, तो आपने ये सोचा कि क्यों ना इस पैसे को हम जो नेट सेल प्रोसीड हमारे को मिली हम उसे इन्वेस्ट कर दें 8.75% की इनकम वाले एक इन्वेस्टमेंट पर, यानी हम उसे रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करेंगे जहां से हमें कितना मिलेगा 8.75% मिलेगा। इट ऑल्सो डिसाइड टू रीलुक द एंटायर इश्यू अफ्रेश आफ्टर द सेड पीरियड ऑफ 5 years। और इस पैसे को आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे एंड 5 साल के बाद आप रीलुक करोगे इस ट्रांजेक्शन को। बोलिए क्लियर है बिल्कुल? तो ये जो ट्रांजेक्शन हुआ ये सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन बन गया। सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन। आइएगा, अनदर कंपनी जेड लिमिटेड ऑल्सो अप्रोच्ड एक्स लिमिटेड प्रपोजिंग टू सेल अ सिमिलर मशीन फॉर 4 लाख टू द लेटर। आप जानते हो जब ये इस असेट को लीज पर ले रहा था उसी समय एक और पर्सन, एक और व्यक्ति आया। ये जेड लिमिटेड ने अप्रोच की, बहुत ध्यान से सुनना, जेड लिमिटेड ने इसको क्या बोला कि ये जो सिमिलर वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल है ये मैं तुम्हें 4 लाख में दे दूंगा। और 5 साल बाद तुमसे 1 लाख में वापस ले लूंगा। ये लीजिए, इसने एक ऑप्शन दे दिया। अच्छा जी, आपको ऊपर एक लाइन लिखी हुई है बहुत इंपॉर्टेंट कि आप इस मशीन को किसी को भी मार्केट में 5 लाख में बेच सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है आप इस एग्रीमेंट पर ही जाओ, आपके पास एक और अल्टरनेटिव आ गया। आप अपनी असेट को 5 लाख में मार्केट में बेचो, नई असेट 4 लाख में खरीद लो। Provided the maintenance were entrusted to Z Limited for yearly charge of ₹15,000, 15,000 का मेंटेनेंस का खर्चा होगा। X Limited would utilize the net sale proceed of the old machine to fund this machine also। अब अगर आप इस ऑफर पर जाते हो तो इस नई असेट को खरीदने के लिए आपको फंड चाहिए। आप अपनी असेट को बेचकर जो भी आपको नेट प्रोसीड मिलेगा उस पैसे से आप क्या करोगे, इस मशीन को खरीद लोगे। शुड इट एक्सेप्ट दिस ऑफर द मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स इज 34% एंड द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12%। विच ऑल्टरनेटिव वुड यू रिकमेंड? तो दो ऑल्टरनेटिव हो गए। एक ऑल्टरनेटिव जो ऑफर फ्रॉम वाई लिमिटेड है जो कि सेल एंड लीज बैक ऑफर है। आइएगा अब हम एक एक बात करते हैं। सबसे पहले अपन लिखते हैं ऑप्शन 1,
ऑप्शन प्रपोजल ऑफ वाई लिमिटेड, जो बेसिकली सेल एंड लीज बैक का ट्रांजैक्शन बनता है। प्रपोजल ऑफ वाई लिमिटेड जो कि बेसिकली सेल एंड लीज बैक बन रहा है। चलिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी जो नेट प्रोसीड है वो कितनी आएगी। नेट प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ असेट देखिएगा, असेट की सेल वैल्यू है आपके पास 5 लाख, डब्ल्यू डीवी ऑफ असेट निल है, तो पूरे 5 लाख का आपको फायदा हो गया। इसमें से आपका टैक्स जाएगा एट द रेट 34%। बताइए 5 लाख का 34% आपका टैक्स चला गया एक सप्ताह। समझ रहे हैं? आप पूरा डेप्रिसिएशन क्लेम कर चुके हैं, तो बुक वैल्यू जीरो हो चुकी है और जीरो की चीज को आपने 5 लाख में बेच दिया। बताइए नेट प्रोसीड्स कितना आ गया? ये आपको क्या मिल गया? नेट प्रोसीड मिल गया। यहां तक क्लियर बिल्कुल सबको? आइएगा, अब ये जो आपको नेट प्रोसीड मिला उसमें बोला था आप इस पैसे को इन्वेस्ट कर दोगे टू अर्न इनकम, तो यहां मैं निकाल देता हूं इंटरेस्ट इनकम। तीन लाख 30 हजार पर 8.75% की रेट, 30 × 8.75% 28875। ये लीजिए, ये हमारे पास इंटरेस्ट इनकम जनरेट हो जाएगी। चले आगे, स्टेटमेंट शोइंग नेट कैश फ्लो अंडर ऑप्शन। अब इस ऑप्शन पर जरा हम डिस्कशन करते हैं। हमारे नेट कैश फ्लो का बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले मुझे बताइए हम लीज रेंट का पेमेंट करेंगे। बताइए मुझे लीज रेंट का पेमेंट आप कितना करने वाले हो? 90 हजार का आप पेमेंट करने वाले हो। लेकिन अगर आप लीज रेंट पे करोगे तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, तो मैंने इसमें से माइनस कर दिया टैक्स बेनिफिट।
एट द रेट 34%, बताइए 90,000 का 34% आपको 30,600 का बेनिफिट मिल गया, ये आपका नेट पेमेंट आ गया। ₹59,400। क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ले लेते हैं, बताइए आपके 0.893 प्लस 0.797 प्लस 0.712 प्लस 0.636 प्लस 0.567, 3.605। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट, ये आपके पास लीज रेंट की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 3.605 इंटू 59,400, 214,137। बोलिए क्लियर है बिल्कुल ये पॉइंट। हर साल आप जो लीज रेंट दोगे उस हिसाब से आपके पास ये पॉइंट आ गया। बी, इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड हाँ जी, वापस देखिए पीछे वाला चार्ट आराम से देखो। ये लो, हमने जो लीज रेंट पे किया, मैंने उस सभी लीज रेंट की पहले टैक्स बेनिफिट क्लेम किया एंड देन आफ्टर मैंने उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। इंटरेस्ट इनकम रिसीव बताइए हर साल मुझे कितनी इंटरेस्ट इनकम मिलने वाली है, 28,875। अगर ये मेरी इनकम है तो मुझे इसमें से टैक्स पे करना पड़ेगा, टैक्स पेड एट द रेट 34%। 28,875 का 34% 9,818। अब बताइए मेरे पास नेट अमाउंट कितना आ गया, 28,875 माइनस 9,818, ये मेरे पास नेट अमाउंट आ गया। क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना था अपना, 3.605। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट इनकम इंटू 3.605, 6,870। ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया। अच्छा जी, टर्मिनल ईयर कैश फ्लो, टर्मिनल ईयर कैश फ्लो मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैंने जो 3,00,000
30,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, अब मुझे उसकी मैच्योरिटी वैल्यू रिसीव हो जाएगी। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लास्ट ईयर का लगेगा 0.561। ये मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मैच्योरिटी वैल्यू आ गई, 3,30,000 इंटू 0.567, 187। चलिएगा, अब हम निकाल देते हैं, मैं यही निकाल देता हूं, नेट कैश फ्लो। देखो ये दो तो हमारे फायदे हैं, माइनस एक हमारा नुकसान 214,137, ये दो हमारी इनकम है और ये जो लीज रेंट आप दे रहे हो ये आपका नुकसान है। निकालिए नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, 68,700 प्लस 187,110 माइनस 214,137, ये आ गया 41673। लीजिए ऑप्शन वन में अगर मैं जाता हूं यानी सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन में, तो मेरे पास ये नेट कैश फ्लो आ जाएगा। आइए अब हम आते हैं ऑल्टरनेटिव टू पर। चलिए ऑप्शन टू, प्रपोजल ऑफ जेड लिमिटेड। अब हम बात करेंगे जेड लिमिटेड के प्रपोजल पर। देखिएगा इसमें मेरे पास सबसे पहले ए पॉइंट है कैश आउटफ्लो का, बताइए कॉस्ट ऑफ न्यू असेट कितनी है मेरे लिए। 4 लाख में मुझे वो असेट मिलेगी माइनस सेल प्रोसीड्स, ऑफ ओल्ड असेट, और जो ओल्ड असेट की सेल प्रोसीड है वो मैं काम में ले लूंगा इसके लिए। तो यानी मेरे पास से जो नेट कैश आउटफ्लो होगा वो 70,000 का हो जाएगा, नेट कैश आउटफ्लो। ये लीजिए ये हमारा नेट कैश आउटफ्लो हो गया 70,000 का। बोलिए क्लियर है बिल्कुल। आओ अब आगे बढ़ते हैं, टैक्स बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो देखिएगा आपको फर्स्ट ईयर में ही 100% डेप्रिसिएशन मिलता है इस तरह की असेट का, तो लीजिए टैक्स बेनिफिट आ जाएगा
डेप्रिसिएशन इन ईयर वन आपको मिलेगा पूरा 4 लाख, और उस पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा 4 लाख इंटू 34%, 4 लाख का 34% हो गया 1,36,000। अच्छा जी, ये कब मिल रहा है? फर्स्ट ईयर में, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स बेनिफिट। एक लाख 36,000 इंटू पहले साल का पीवी फैक्टर है 0.893, तो ये मेरे पास क्या आ गया, इस टैक्स बेनिफिट की प्रेजेंट वैल्यू आ गई इंटू 0.893, 121,448। बोलिए क्लियर यहां पे? तो ये हमारे पास एक डेप्रिसिएशन का पॉइंट हो गया। इसकी पीवी क्यों नहीं निकाली? क्योंकि ये इमीडिएटली करोगे तो इसका पीवी फैक्टर 1 रहेगा, तो ये मैंने सेम रहने दी। आइए सी पॉइंट, मेंटेनेंस कॉस्ट। बताइए आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है? 15,000 की आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट है। आपको इस खर्चे पर 34% का टैक्स बेनिफिट मिलेगा, तो 15,000 का 34% आप निकाल दो, 5,100 नेट कॉस्ट आ गई। पंद्रह हजार माइनस 5,100, दैट इज 99,000। क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, बताइए क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना था अपना? 3.605। ये आपके पास आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट, 9,900 इंटू 3.605, 35,690। अब डी पॉइंट पर आते हैं, टर्मिनल ईयर। टर्मिनल ईयर कैश फ्लो, हम इस असेट को बेचेंगे तो सेल वैल्यू आएगी हमारे पास, सेल वैल्यू आ गई 1,00,000। बहुत ध्यान से सुनना, आपने इस असेट की 100% वैल्यू का डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया है, आपने इस असेट की 100% वैल्यू का डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बुक्स में उसकी जो WDV है वो 0 हो गई। अब आपने 0 की चीज 1,00,000 में बेच दी, तो आपको टैक्स देना पड़ जाएगा 34,000 का, 34,000। 1,00,000 पर 34% का आपको टैक्स देना पड़ेगा। बताइए नेट अमाउंट क्या आ गया? 1,00,000 माइनस 34,000, 66,000 का आपका नेट कैश फ्लो आ गया।
इस पर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लग जाएगा 0.567 3742। ये लीजिए ऑल्टरनेटिव टू के हमने सारे जो अलग अलग कैश फ्लोज थे, हमने वो सारे कैश फ्लोज यहां पर कंप्यूट कर लिए। आइए अब यहां पर भी हम कैश फ्लो की वैल्यू निकाल दें। फायदे बताइए, एक तो फायदा है डेप्रिसिएशन का 121448, ये आपका डेप्रिसिएशन का फायदा, प्लस टर्मिनल ईयर का फायदा 37422, माइनस नुकसान क्या क्या है, 70,000 का तो एक आउटफ्लो है और 35,690 के मेंटेनेंस कॉस्ट का आउटफ्लो है। नेट निकाले 121448 प्लस 37422 माइनस 70,000 और माइनस 3569, ये आ गया 53180। ये लीजिएगा, तो बताइए ऑल्टरनेटिव वन में मेरे पास जो प्रेजेंट वैल्यू में बेनिफिट आ रहा है वो आ रहा है 41673 का। ये बेनिफिट है, आप कह सकते हो एनपीवी बेसिकली, और दूसरे ऑल्टरनेटिव में मेरे पास ये एनपीवी आ रही है क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स ज्यादा है कॉस्ट से। तो बताइए क्या करेंगे हम, ऑल्टरनेटिव टू या जो ऑप्शन टू है शुड बी रिकमेंडेड, हमें ऑल्टरनेटिव टू पर या जो सेकेंड मेथड है उस पर चले जाना चाहिए, एंड द प्रपोजल ऑफ जेड लिमिटेड शुड बी एक्सेप्टेड। ऑप्शन टू रिकमेंडेड एंड द प्रपोजल ऑफ जेड लिमिटेड शुड बी एक्सेप्टेड। क्लियर है बिल्कुल? तो ये हमारे पास एक पूरा क्वेश्चन था जिसमें हमने नए कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, सेल एंड लीज बैक सिचुएशन को।